अस्सलाम वालेकुम, मैं नाहिद खान विरासत के एक और एपिसोड में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको इमली की गोली बनाना सिखाऊंगी, जो कि बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इमली है, कहने को सीडलेस है, लेकिन ये सीडलेस नहीं है। इमली की गोली बनाने के लिए बिल्कुल साफ चाहिए, तो ये इस तरह से बीच में जो ये रेशे हैं ये निकालना पड़ते हैं, और कहीं कहीं बीज रहता है तो बीज को निकालना पड़ता है। अगर बीज नहीं निकालेंगे तो वो खट खट करके मिक्सी में गोलेगी। तो ये मैंने अपनी इमली साफ करके इधर रखे जा रही हूँ, और जो इसमें बीज और रेशे हैं वो इधर रखे हैं। इमली की गोली बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम इमली ली है और 500 ग्राम ही पिसा गुड़ है। जिसको ज़्यादा मीठी चाहिए वो ज़्यादा गुड़ भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। फिर इसके बाद आधा टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई। तो इसको भी अपने हिसाब से सब चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पाउडर शुगर है कोटिंग के लिए। और अब चलिए चलते हैं कि इसको कैसे बनाएं। तो ये इमली होती तो साफ़ सुथरी है, लेकिन फिर भी मैं इसको आरओ के पानी से एक बार डाल के निकाल लेते हैं कि कोई अगर कंकड़ या मिट्टी हो तो वो निकल जाती है। बस एक पानी से धो के इसको माइक्रोवेव इसके बाद कर लेते हैं, तो थोड़ी सॉफ्ट भी पड़ जाती है और हल्का सा सूख भी जाती है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूंगी लगभग 1.5 मिनट के लिए, 1.5 से 2 मिनट। अब ये देखिए इमली सॉफ्ट भी हो गई और थोड़ा सूख भी गई, तो ये मिक्सी में आसानी से पिस जाएगी। इसलिए कि अगर डायरेक्ट डालेंगे तो पिस तो जाती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होती है। अब ये सॉफ्ट हो गई है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद इसको मिक्सी में डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा पीस लेंगे, ठंडी हो चुकी है। दो बार में करके पीसनी पड़ेगी, इसलिए कि ज़्यादा पिसने के बाद एक बार फाइनल और देख लें, अगर थोड़े थोड़े रेशे रह गए हों या एक आध बीज रह गए हों तो वो निकाल लीजिएगा। कढ़ाई रख देंगे, गर्म हो जाए, इसका थोड़ा सा पानी है वो निकल जाए, ये डाल देंगे। अब इसमें कढ़ाई में इमली डालेंगे, इमली डालेंगे और गुड़ डालेंगे। गुड़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं। ये वाला गुड़ हमारा पाउडर वाला गुड़ है, इसलिए आसानी से मेल्ट हो जाता है।
नहीं तो वो वाला भी हो जाता है, लेकिन ये पाउडर वाले में ज़्यादा आसानी रहती है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर। ये सब चीज़ मेल्ट हो गई है, इस पर आप इसके बाद गैस स्लो पे कर देंगे। स्लो पे करने के बाद इसके मसाले डालेंगे। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, वाइट वाला, फिर काला नमक वो भी स्वाद अनुसार, भुना धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 4 मसाला भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर देते हैं, जो चटपटा खाता है वो ज़्यादा कर देता है, और लेकिन मैं 2 टीस्पून डालती हूँ। इसी कश्मीरी लाल मिर्च, अभी हमारा तैयार हो गया बैटर। अब ये चारों तरफ से जब लगने लगता है तो ये पहचान होती है कि ये अब गोली बनने के लिए तैयार हो गया है। इसको प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको ठंडा करने के लिए एक छोटी प्लेट में अलग रख दिया था, नहीं तो ज़्यादा बड़ी देर में ठंडा होता है। थोड़ा सा तेल हथेली पर लगा के गोली भर का निकाल के, एक से हो गोल तो ठीक है, छोटे बड़े भी हो जाए तो चलता है, कोई बात नहीं। फिर इसमें पाउडर शुगर में कोट कर देते हैं, इससे देखने में भी अच्छी लगती है और थोड़ा सूप ड्राई हो जाती है। फिर इसको निकाल के थोड़ी देर फ्रिज में रख जाते हैं, रख देते हैं ताकि थोड़ी कड़ी हो जाए। तो ये तैयार हो गई हमारी इमली की खट्टी मीठी गोली खाने के लिए। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को कैसे लगी। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा। थैंक यू।